In IVP, injection of contrast should be given as rapid bolus to which are our options hai. Option A, increase the density of nephrogram. Option B, decrease the density of nephrogram. Option C, increase the density of pyrogram. Option D, none of the above. इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ नेफ्रोग्राम। हम आईवीपी में जो कॉन्ट्रास्ट पुश करते हैं इंटरवीनसली, ठीक है, इसको हम थोड़ा रैपिडली पुश करते हैं जिससे कि हमारा जो नेफ्रोग्राम की डेंसिटी है वो अच्छे से दिख पाए फिल्म में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि नेफ्रोग्राम क्या होता है। ये आईवीपी का नेफ्रोग्राम फेस है, इसमें आप देख सकते हैं किडनी की हल्की शैडो आ रही है, ठीक है। नेफ्रोग्राम बेसिकली हमें किडनी फंक्शन के बारे में बताता है। अगर किडनी का फंक्शन नॉर्मल है तो ये विद इन 1 मिनट के अंदर आ जाता है। अगर किडनी का फंक्शन नॉर्मल नहीं है तो ये 1 मिनट या उससे ज्यादा का टाइम लेता है। नेफ्रोग्राम फेस को हम इमीडिएट फिल्म या फिर 1 मिनट फिल्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली किडनी फंक्शन के बारे में हमको बताता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम टेबल पूछा जाता है कि जो नेफ्रोग्राम फेस है वो हमें क्या बताता है, तो ये हमें किडनी फंक्शन के बारे में बताता है। हम जब क्वांटम देते हैं तो उसके बाद 10 से 14 सेकंड का डिले देते हैं, ठीक है। जो डिले होता है ये हमारा होता है आर्म टू किडनी टाइम होता है। हमारा कंट्रास्ट को आर्म से किडनी तक जाने में 10 से 14 सेकंड का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये इतना डिले देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर यूवी जंक्शन कैलकुलस। ऑप्शन ए, प्री मैच्योरेशन फिल्म। ऑप्शन बी, पोस्ट मैच्योरेशन फिल्म। ऑप्शन सी, मैच्योरेशन फिल्म और वर्डिंग फिल्म। ऑप्शन डी, None of the above. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोस्ट मैच्योरेशन फिल्म। यूवी जंक्शन कैलकुलस के केस में हम पोस्ट मैच्योरेशन फिल्म लेते हैं, ठीक है। उसमें जो यूरेटर होता है इसमें अच्छे से दिख पाता है। इसमें यूरेटर और ब्लैडर के जंक्शन को यूवी जंक्शन बोला जाता है, यूरेटर वेसिकल जंक्शन, ठीक है। ये जंक्शन है हमारा, इसको बोलेंगे हम यूवी जंक्शन, ठीक है। यूवी जंक्शन नॉर्मल सिस्टम में क्या होता है, अगर इसमें कोई कैलकुलस नहीं फंसा है, ठीक है, तो उसके यूरेटर नॉर्मल होंगे, डायलेटेड नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हमारे यूवी जंक्शन में कैलकुलस फंसा हुआ है तो जिस साइड में हमारा कैलकुलस फंसा होगा उस साइड का जो यूरेटर है वो डायलेट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इमेज में इसमें यूरेटर डायलेट हो रखा है, ठीक है, क्योंकि नीचे कैलकुलस या स्टोन फंसा हुआ है जिससे कि यूरिन नीचे पास नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में हम पोस्ट मैच्योरेशन फिल्म लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू विजुलाइज lower ureter in IVP. Option A, erect position. Option B, supine position. Option C, prone position. Option D, lateral position. इसका right answer होगा Option C, prone position. IVP में lower ureter को देखने के लिए हम patient को prone position में लेटाते हैं, ठीक है। ये prone position है, ठीक है, जिसमें face down होता है, और ये prone position best होती है lower ureter को visualize करने के लिए। जैसे कि आप नीचे image में देख सकते हैं जो हमारे लोअर यूटर हैं बायलैटरल वो अच्छे से विजुलाइज हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ट्रांसवर्स कॉलम फील्ड विद फिकल मैटर ऑब्स्क्योर्स द रीनल एरिया वी यूज फॉलोइंग टू विजुलाइज द किडनी। ऑप्शन ए, 40 डिग्री सेफेलिक एंगल। ऑप्शन बी, 30 डिग्री सेफेलिक एंगल। ऑप्शन सी, 90 डिग्री एंगल टुवर्ड्स किडनीज। ऑप्शन डी, 60 डिग्री एंगल टुवर्ड्स फिट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री एंगल से पहले। जब किसी पेशेंट की जो प्रिपरेशन होती है अच्छे से नहीं होती है और जो टॉन्सिल्स कॉलम होता है वो अगर ओवरलैप करता है किडनी एरिया को, तो किडनी एरिया को हम अच्छे से देखने के लिए एक्सरे टूल में 30 डिग्री सिफेलिक एंगल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट अगर ट्यूब आई है तो सिफेलिक एंगल होगा, ये सिफेलिक एंगल होगा हेड की तरफ, ठीक है। अगर हम एंगल को फिट की तरफ देते हैं तो उसको बोलेंगे कॉर्डल एंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन आईवीपी ऑफ इन्फेंट्स ऑप्टिमम विजुलाइजेशन नॉट अकर्स टिल ऑप्शन ए, 1 टू 3 आवर्स। ऑप्शन बी, 1 टू 6 आवर्स। ऑप्शन सी, 1 टू 30 मिनट्स। ऑप्शन डी, 1 टू 15 मिनट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 टू 3 आवर्स, ठीक है। इन्फेंट्स में जब आईवीपी करते हैं उसमें जो विजुलाइजेशन होता है वो 1 से 3 घंटे तक नहीं आता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक घंटे के बाद हम मल्टीपल इमेजेस लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन आईवीपी एक स्काउट और प्लेन फिल्म इज टेकन। ऑप्शन ए, टू चेक एनी कैलकुलस। ऑप्शन बी, टू चेक बबल फिल्ट्रेशंस। ऑप्शन सी, टू चेक एक्सपोजर फैक्टर्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
आरबीपीएम सबसे पहले डिस्काउंट या क्लेम के देते हैं, ठीक है। इसका पर्पज होता है कोई कैलकुलस अगर है तो वो चेक करने के लिए, ठीक है। पेशेंट की बॉल प्रिपरेशन कैसी है वो चेक करने के लिए, और एक्सरे मशीन का एक्सपोजर फैक्टर्स कैसा है वो चेक करने के लिए हम क्लेम क्यों लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये प्लेन फिल्म है जो कि आईबीपी में सबसे पहले लिया जाता है, जिसमें हम चेक करते हैं पेशेंट का प्रिपरेशन कैसा है, ठीक है। अगर पेशेंट का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो उसको नेक्स्ट डे के लिए रिशेड्यूल किया जाता है, और उसमें हम चेक करते हैं एक्सपोजर फैक्टर्स कैसे हैं। अगर एक्सपोजर फैक्टर ठीक नहीं है तो उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्लेम फिल्म लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द स्पेसिफिक टर्म यूज्ड फॉर द फिल्म टेकन आफ्टर 1 मिनट ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन। ऑप्शन ए पाइलोग्राम, ऑप्शन बी नेफोग्राम, ऑप्शन सी नेफ्रोपैथी, ऑप्शन डी नो एनी स्पेसिफिक टर्म। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेफ्रोग्राम। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के 1 मिनट के बाद, ठीक है, जो फिल्म ली जाती है उसको हम नेफ्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रोग्राम हमें किडनी फंक्शन के बारे में बताता है। ये हमारा नेफ्रोग्राम फेज है, ठीक है, जिसको इमीडिएट फिल्म ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें किडनी के शैडो आ रहे हैं हल्का, आप देख सकते हैं इसमें, इसको हम नेफ्रोग्राम फेज बोलते हैं, और ये हमें किडनी फंक्शन के बारे में बताता है। अगर किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो किडनी की जो ओपेसिटी है वो विद इन 1 मिनट आ जाती है इसमें, ठीक है। अगर किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं है तो जो उसकी ओपेसिटी है वो डिले होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन आईबीपी नेफ्रोग्राम टेल्स अबाउट फॉलोइंग। ऑप्शन ए कैलकुलस साइज, ऑप्शन बी रीनल साइज, ऑप्शन सी रीनल फंक्शन, ऑप्शन डी रीनल पोजीशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रीनल फंक्शन, ठीक है। जो नेफ्रोग्राम होता है वो रीनल फंक्शन के बारे में हमको बताता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द स्पेसिफिक टर्म यूज फॉर द फिल्म टेकन आफ्टर 5 मिनट ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन। ऑप्शन ए नेफ्रोग्राम, ऑप्शन बी पाइलोग्राम, ऑप्शन सी नेफ्रोपैथी, ऑप्शन डी नो स्पेसिफिक टर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाइलोग्राम। आईबीपी में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के 5 मिनट के बाद हम जो फिल्म लेते हैं उसको बोलते हैं पाइलोग्राम। ये पाइलोग्राम इमेज है जिसको हम 5 मिनट फिल्म भी बोलते हैं, ठीक है। पाइलोग्राम में रीनल पैल्विस और रीनल टैलिस अच्छे से विजुलाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन आईबीपी स्टैंडर्ड फिल्म टेकिंग टाइम इज। ऑप्शन ए 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट एंड 15 मिनट। ऑप्शन बी 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट। ऑप्शन सी 10 मिनट एंड 20 मिनट ओनली। ऑप्शन डी 1 मिनट एंड 10 मिनट ओनली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट एंड 15 मिनट, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड फिल्म टेकिंग टाइम है, ठीक है। हम इसके बाद भी फिल्म लेते हैं, ठीक है, जो कि होता है 30 मिनट फिल्म होती है, 45 मिनट फिल्म होती है, और एक पोस्ट वर्ड फिल्म होती है। एक आईबीपी को कंप्लीट करने के लिए 5 तरह की फिल्म ली जाती है, जिसमें कि इमीडिएट फिल्म होती है जिसको हम 1 मिनट फिल्म बोलते हैं, उसके बाद 5 मिनट फिल्म होती है, ठीक है, उसके बाद 30 मिनट फिल्म होती है, देन 45 मिनट फिल्म एंड देन पोस्ट वर्डिंग फिल्म होती है जो कि लास्ट फिल्म होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन आईबीपी कंप्रेशन बैंड इज अप्लाइड ऑन एब्डोमेन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ऑप्शन ए टू प्रोवाइड बेटर डिस्टेंशन टू लोअर यूरेटर, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड बेटर डिस्टेंशन टू अपर यूरेटर, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड बेटर पेल्विक एलिशियल डिस्टेंशन, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, ठीक है। आईबीपी हम कंप्रेशन बैंड का यूज इसलिए करते हैं जिससे कि जो अपर यूरेटर है और जो पेल्विक एलिशियल हमारा जो सिस्टम है वो बेटर डिस्टेंड हो जाए, ठीक है। ये कंप्रेशन बैंड है, ठीक है, इसको अपने मन पर अप्लाई किया जाता है, 10-15 मिनट के बाद इसको अप्लाई करते हैं। इसके जो रीजन होता है इसको अप्लाई करने का वो ये होता है, जो यूरिन होता है हमारा अपर कैलिक्स में और अपर यूरेटर में उसको ये बुल करके रखता है, जिससे कि हमारे यूरेटर होते हैं वो अच्छे से विजुलाइज होते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं इसमें जो हमारे अपर कैलिक्स हैं और जो अपर यूरेटर है वो अच्छे से विजुलाइज हो पा रहे हैं, इसलिए विजुलाइज हो पा रहे हैं क्योंकि हमने कंप्रेशन बैंड अप्लाई किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, इन आईवीपी कंप्रेशन बैंड इज अप्लाइड आफ्टर। ऑप्शन ए 10-15 मिनट्स, ऑप्शन बी 1-5 मिनट्स, ऑप्शन सी 15-20 मिनट्स, ऑप्शन डी 1 आवर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10-15 मिनट्स, ठीक है। जो कंप्रेशन बैंड अप्लाई किया जाता है वो 10-15 मिनट के बाद अप्लाई किया जाता है, जिससे कि जो हमारा जो अपर यूटर है वो अच्छे से विजुलाइज हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू विजुलाइज अपर यूटर इन आईवीपी। ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी लैटरल पोजीशन, ऑप्शन डी इरेक्ट पोजीशन। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन। आईयूपी में अपर यूटर को अच्छे से विजुलाइज करने के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा जाता है। आप देख सकते हैं इसमें जो पेशेंट की पोजीशन है वो सुपाइन है, जिसमें फेस आपका है ऊपर की तरफ है और नीचे जो इमेज है इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें जो अपर यूटर है वो अच्छे से विजुलाइज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन आईवीपी इफ कंप्रेशन बैंड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर ए पेशेंट देन वी विल डू फॉलोइंग। ऑप्शन ए हेड एंड लोअर, ऑप्शन बी फीट एंड लोअर, ऑप्शन सी रिफ्यूज पेशेंट फॉर आईवीपी, ऑप्शन डी स्टिल परफॉर्म एग्जामिनेशन विद कंप्रेशन बैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेड एंड लोअर। अगर किसी पेशेंट में कंप्रेशन बैंड का यूज अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मीन्स इसमें यूज नहीं करना है कंप्रेशन बैंड का किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे उसका जो हेड एंड है उसको हम डाउन करेंगे या लोअर करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रेंडी लैंडमार्क पोजिशन। इसमें जो पोजिशन है पेशेंट की उसको हम बोलते हैं ट्रेंडी लैंडमार्क पोजिशन, ठीक है। इसमें जो पेशेंट का जो हेड होता है वो डाउन होता है। अगर किसी पेशेंट में कंप्रेशन बैंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मीन्स अगर उसमें कंप्रेशन बैंड हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम इस पोजीशन में लेटाते हैं पेशेंट को। इससे क्या होता है जो हमारा जो अपर यूटर है उसमें हमें यूरिन का रिटेंशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन आईवीपी फुल ब्लैडर फिल्म इज टेकन टू विजुलाइज फॉलोइंग। ऑप्शन ए किडनी साइज, ऑप्शन बी किडनी फंक्शन, ऑप्शन सी कैलकुलस, ऑप्शन डी एबनॉर्मलिटी इन यूरिनरी ब्लैडर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एबनॉर्मलिटी इन यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन डी, ठीक है। ये फुल ब्लैडर फिल्म है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें ब्लैडर एकदम फुल है, ठीक है। इसको इसलिए लिया जाता है जिससे कि इसमें साइज एंड शेप देख सकें ब्लैडर का, ठीक है, नॉर्मल है या नहीं है, और अगर कोई लीकेज है यूरिन का तो वो देख सकते हैं इसमें, और इसमें कोई अगर मास है ब्लैडर के अंदर तो वो भी हमें पता लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम फुल ब्लैडर फिल्म लेते हैं।